आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 9 उसका अहम टॉपिक है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ये हमने डिस्कस करना है। ओरिएंटेशन से क्या मतलब है? द डिटरमिनिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ न्यू इनकमिंग ग्रुप into mono substituted benzene. Mono substituted benzene में नए आने वाले ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना ओरिएंटेशन कहलाता है। When electrophilic substitution of benzene occurs, we get only one mono substituted product. यानी अगर बेंजीन में पहला इलेक्ट्रोफाइल लगाए, बेंजीन के छह कार्बन की पोजीशन इक्वल होती है, तो पहला इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पर लगा दोगे उसका एक ही नाम होगा। मसलन ये अगर आने वाला ग्रुप जो है सपोज हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो उस OH ग्रुप को चाहे यहां लगाऊंगा तो फिनोल पढ़ेंगे, यहां लगाएंगे फिनोल पढ़ेंगे, यहां लगाएंगे फिनोल पढ़ेंगे, किसी भी कार्बन पर लगा दो उसका एक ही नाम है। मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के अंदर अगर पहले ग्रुप लगा हुआ है, उसमें जब दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे तब वी गेट थ्री डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्योंकि अगर नए आने वाला ग्रुप पहले वाले ग्रुप के लिहाज से वो दूसरे कार्बन पर आएगा तब उसको ऑर्थो पोजीशन कहेंगे या ऑर्थो प्रोडक्ट कहेंगे। अगर नए आने वाला ग्रुप पहले वाले ग्रुप के लिहाज से तीसरे कार्बन पर है 1 2 3 तब उसको बेटा कहा जाएगा। अगर आने वाला ग्रुप पहले वाले ग्रुप के लिहाज से चौथे कार्बन पर आएगा 1 2 3 4 तब उसको पैरा कहा जाएगा। यानी तीन बन गए डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थो मेटा पैरा। नए आने वाले ग्रुप का चांस कितना होगा कि वो ऑर्थो बन जाए, मेटा बन जाए, पैरा बन जाए? नए वाले ग्रुप का चांस ऑर्थो पे जाने का 40% होता है तकरीबन, और मेटा पे जाने का भी 40% है, और पैरा पे जाने का तकरीबन 20% होता है। तो हमारे पास मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है क्लोरोबेंजीन, जब इसका रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ वी गेट, हाँ जी, ये दो मल्टीपल है, दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और दो नेट्रो है, ये नेटो इलेक्ट्रोफाइल है, तो एक नेटो देखेंगे ऑर्थो पे गया है और दूसरा नेटो ग्रुप क्लोरोबेंजीन के पैरा पर गया है, तो नाम क्या होगा? नाम नॉन ग्लेशियर पढ़ चुके हैं, ये एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पर है, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से पैरा पर है, इसके लिहाज ये ऑर्थो जगह है, इसके लिहाज ये भी जगह ऑर्थो है, तो क्या बन गया? ऑर्थो क्लोरो नेट्रोबेंजीन। क्या नाम बन गया? ये पैरा क्लोरो नेट्रोबेंजीन है। यानी क्लोरो ग्रुप की वजह से जो नया इलेक्ट्रोफाइल नेट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर गया है। देखेंगे क्यों गया है। असल में रिएक्शन यूं हुआ है, क्लोरो जो है इसने नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेजा है, ये इसलिए क्या करेंगे, ये दो मॉलिक्यूल कर दें और ये भी कितने हैं, दो मॉलिक्यूल कर दें। देखें ये एक क्लोरोबेंजीन दूसरा क्लोरोबेंजीन, इसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन, ये कौन सी है, पैरा पोजीशन, और बेंजीन के हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखें ये रिएक्शन क्यों हुआ है कि ऑर्थो से हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का OH क्या बना, वाटर, और ये वाला नेटर ग्रुप जो है ऑर्थो पे चला गया। दूसरे क्लोरो बेंजीन में पैरा से हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का OH ग्रुप वाटर बना, ये वाला नेटर ग्रुप जो होगा ये पैरा पोजीशन पर आ गया है, यानी एक नेटर ग्रुप ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा पैरा पर गया। किस वजह से? इस हैलोजन ग्रुप की वजह से, क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन ने नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेजा है, लिहाजा क्लोरीन को कहा जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसी तरह एक और है मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नेट्रोबेंजीन,
जब इसका रिएक्शन वो क्लोरीन से कराएंगे, हाँ जी ये जगह क्या है, इसके बाद ये जगह ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, हाँ जी। तो मेटा से एक हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन क्या बना, HCl, और ये वाला क्लोरीन फिर क्या होगा, मेटा परमाणु हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यानी नाइट्रो ने नए आने वाले ग्रुप को मेटा पर भेजा है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप को क्या कहा जाएगा, मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप है। इससे साबित हुआ कि ग्रुप जो होते हैं, जो नए आने वाले ग्रुप की जगह का तयन करते हैं, दो किस्म के होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नए आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पर भेज सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नए ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ मेटा पर भेज सकते हैं। कौन से हैं, पहले हम देख रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है, बिकॉज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, चूंकि ये बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, एंड इनक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है, बिकॉज दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, या इसको यूं कहा जा सकता है, दीस ग्रुप जो है इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। ये कौन से ग्रुप होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, NH2 अमाइनो ग्रुप है, ETC। इनमें से कोई सा अगर ग्रुप लगा होगा बेंजीन के साथ, तो नया आने वाला जो ग्रुप होगा सिर्फ और सिर्फ कहा जाएगा, ऑर्थो और पैरा बन जाएगा। इसकी मिसाल दे चुके हैं, ये क्लोरीन, जब क्लोरीन लगी हुई थी तो जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा है, तो नया नाइट्रो ग्रुप कहां गया, ऑर्थो और पैरा पर गया है, ऑर्थो और पैरा पर गया है। क्यों ऐसा हुआ, इसकी रीजन ये है, मसलन ये वही क्लोरीन लगाए, क्लोरीन जब लगा हुआ था नया ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर गया, क्यों गया है, देखिए क्लोरीन के बाहर सात इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6 और सातवां यहां शेडिंग हो चुका है, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। देखिए ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर है बेंजीन की तरफ डोनेट करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन गिरेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, तो यहां क्या बन जाएगा, डबल, जब गिरेगा इलेक्ट्रॉन दो यहां होंगे, डबल बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा पांचवा बॉन्ड टूट कर यहां होंगे, लोन पेयर जब भी अटैक करता है चार्ज पॉजिटिव आता है, और ये वाला बॉन्ड टूट कर यहां गिरा चार्ज, बाकी बेंजीन के हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बन जाता है। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये टूट कर यहां गिरेगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां गिरेगा क्या बना, डबल बॉन्ड,
तीसरा बाण, चौथा, पांचवा बाण डूब करिए। ये वाला बाण क्या है, डबल बाण, ये जोड़ कर यहां गया चार सिलेक्ट बेंजीन के हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इसके बाद ये वाला बाण जब यहां गिरेगा क्या बनेगा, यहां डबल बाण, तीसरा बाण, चौथा, पांचवा बाण जोड़ कर यहां चलेगा। ये वाला बाण नेक्स्ट अच्छा, अब ये वाला बाण यहां गिरेगा डबल बाण, तीसरा बाण, चौथा, पांचवा बाण यहां गिरेगा, पास्ते चार खत्म। देखिए पहले और आपकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, अंदर पाई बाण की पोजीशन क्या है, चेंज हो गई। इन्होंने इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ डोनेट किया और यूं इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर दी है एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। देखिए इस कार्बन के आप ये जगह कौन सी, ऑर्थो, ये भी क्या है ऑर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा, और ये क्या है पैरा। जहां नेगेटिव चार्ज होगा एटमीन वहां इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल पड़े हुए हैं। कहां इजिली अवेलेबल है, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर इजिली अवेलेबल है। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन लवर है, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इसको जहां भी इलेक्ट्रॉन इजिली मिलेंगे वहीं अटैक है। तो देखो कहां इजिली अवेलेबल है, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर इजिली अवेलेबल है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, सिर्फ सिर्फ तो पैरा पे करेगा। देखिए मेटा पर कहीं भी हमें नेगेटिव चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक नहीं करेगा। इसी वजह से इनमें से कोई सा अगर ग्रुप लगा होगा, नए आने वाला ग्रुप जो होगा सिर्फ कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर जाएगा। बड़ी एग्जांपल लिख सकते हैं, मसलन क्लोरीन को निकालकर अगर मैं यहां CH3 लगा दूंगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ग्रुप होता है, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसी तरह ये जो है ऑर्थो पैरा रिएक्टिव ग्रुप होता है, एक नाइट्रो ग्रुप जाएगा ऑर्थो पर, और दूसरा एक्ट हो जाएगा पैरा, ऑर्थो और पैरा, उसी तरीके से नाम क्या बनेगा, ऑर्थो नेट्रो टोलुइन, पैरा नेट्रो टोलुइन। और अगर हम ये टोलुइन है, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 और हीट करें, फिर क्या होगा, तीन नेट्रो ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। कैसे, जो ये टोलुइन है ये जगह कौन सी है, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये क्या है पैरा, और तीसरा वो है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तीन नेट्रो है, तो तीन नेट्रो, एक नेट्रो यहां लगेगा हाइड्रोजन निकलेगा, एक नेट्रो यहां पर लगेगा हाइड्रोजन निकलेगा, नेट्रो हो जाएगा, एक नाइट्रोजन यहां लग जाएगा प्लस 3H2। देखिए तीन नेट्रो ग्रुप लगाए हमने, मगर फिर भी कहां गए वो, ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर नहीं गए। किस वजह से, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से, अल्काइल ग्रुप की वजह से। इसका नाम क्या है, हाँ जी नंबर है गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनेट्रो टोलुइन, ट्राइनेट्रो टोलुइन। केन में से कोई सॉलिड ग्रुप लगाओगा, नए आने वाला ग्रुप जो होगा ऑर्थो और पैरा पर जाएगा, मेटा पर कभी नहीं जाएगा। दूसरा है मेटा डैक्टिन,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होंगे? दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। विद ड्रॉइंग ग्रुप्स विद ड्रॉ मनी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच दे, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच, इस तरह आपके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, और इस तरीके से रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से अट्रैक्ट कर लेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्थो पैरा पोजिशन को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब जहर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं करेगा। ये कौन से ग्रुप होते हैं? इनमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, इनमें से कोई सा ग्रुप लगा होगा, नया ग्रुप कहां जाएगा? सिर्फ मैटर। अब पहचान कर रखेंगे कि ऑर्थो पैरा वाले कौन सा होता है, मैटर डायरेक्टिव कौन सा होता है। मैटर डायरेक्टिव की पहचान क्या होगी? इनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, देखिए डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या इन पर चार पॉजिटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे और इनको मैटर डायरेक्टिंग। इसकी मिसाल नेट्रो एनओ टू, ये पहले हम देख चुके हैं, जब एनओ टू लगा हुआ था जब मैंने क्लोरीन के साथ एक्शन किया है तो क्लोरीन जो है सिर्फ मैटा पर गया है। इस वजह से क्यों ये मैटा पर जाने देंगे, देखें इनमें से कोई सा ग्रुप लगा दे, मसलन एल्डिहाइड ग्रुप लगा, ये बेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचेंगे, जब खींचेंगे ये वाला जो पाई बॉन्ड है यू शिफ्ट होगा, जब यू शिफ्ट होगा जिस एटम से बॉन्ड दूर होता है वहां चार पॉजिटिव होता है, तो ये जब बॉन्ड यहां गिरेगा डबल बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा, पांचवा बॉन्ड दूर होगा। ये यू शिफ्ट हुआ, यहां चार पॉजिटिव, बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे दिखे। यहां चूंकि जहां चार पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार मीन वाले इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो जो ये चार पॉजिटिव होगा फिर ये वाला बॉन्ड यू अटैक, यू जब शिफ्ट होगा यहां डबल बॉन्ड और यहां चार पॉजिटिव होगा। यू अटैक किया डबल बॉन्ड और यहां चार पॉजिटिव, जो ही पास से चार क्रिएट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां गिर जाएगा, यहां पॉजिटिव चार हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड गिरा है यहां चार, ये डबल बॉन्ड, यहां चार पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड यहां गिरेगा डबल बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा, पांचवा बॉन्ड होल्ड करेगा। देखें जी पहले और आखिरी स्ट्रक्चर को देखें, अंदर पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या है, चेंज हो चुकी है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होता है, जब ये अटैक करने जाएगा ऑर्थो पर वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वापस आ जाएगा। पैरा पे जाएगा अटैक करने, बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, वापस आ जाएगा। ऑर्थो पे अटैक करेगा, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की पास से चार है, वापस आ जाएगा।
अब ये लिया तो देख लो आर्थो और पैरा पर पास्टे चार्ज है, इस पर भी चार्ज पास्टिव है, लाइक चार्ज इन फ्लेगो रिपेल कर। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, आर्थो पैरा में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, लिहाजा यहां अटैक नहीं करेगा। अब ये कहां प्रेफर करेगा अटैक करना, सिर्फ और सिर्फ मेटा पे अटैक करना प्रेफर करेगा, क्योंकि मेटा पर हमें कहीं भी पास्टिव चार्ज दिखाई नहीं। लिहाजा इनमें से कोई सा ग्रुप लगा होगा, नया आने वाला ग्रुप जो है कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेटा पर जाएगा। इसकी एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन कर रहा हमने क्लोरीन के साथ, तो नाइट्रो की वजह से नया ग्रुप कहां जाता है, सिर्फ मेटा पर जाता है। इसलिए नाइट्रो ग्रुप को क्या कहा जाएगा, मेटा रिएक्टिंग ग्रुप कहेंगे। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, शॉर्ट भी इसलिए बन सकते हैं कि व्हाई NO2 इज कॉल्ड मैटर रिएक्टिंग, ये लिखा जाएगा। ये एटॉम के ड्रैग ग्रुप होते हैं, एटॉम बेंजीन से अट्रैक्ट करेंगे तो ये एटॉम की डेफिशिएंसी कर देते हैं एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, इस वजह से नया जो ग्रुप आएगा NO2 की मौजूदगी में सिर्फ मेटा बन जाएगा। और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या क्लोरो ग्रुप जो है CLO, यानी ये क्लोरो ग्रुप जो है CL, ये ऑर्थो पैरा रिएक्टिव ग्रुप होता है। ये क्या जवाब लिखेंगे, ये एटॉन रिएक्टिव ग्रुप होते हैं, एटॉन बेंजीन की तरह रिलीज करेंगे, इस तरह एटॉन इजीली अवेलेबल कर देंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, क्लोरो ग्रुप की मौजूदगी में ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। थैंक यू।